हाय दोस्तों, आप सभी का GTA Vice City के एक और गेम प्ले में स्वागत है। और आज मुझे अपनी हेल्थ मैक्सिमम करनी है। GTA Vice City में हम अपनी हेल्थ 125 तक कर सकते हैं। हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए आपको रात होते ही रोड पर घूमना होगा, और जिस भी हुकर में आप इंटरेस्टेड हो उसके पास आपको अपनी कार का हॉर्न बजाना होगा। तो अगर वो हुकर आप में इंटरेस्टेड हुई तो वो आपकी कार में बैठ जाएगी। आपको हॉर्न बजाते रहना है और कभी ना कभी वो आपकी कार में बैठ ही जाएगी। तो फाइनली मेरी कार में बैठ चुकी है और अब मेरे पैसे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे पास थे $312 और अब मेरे पास 306 बचे हैं। तो अभी मुझे एक सुनसान जगह ढूंढनी होगी जहां दूर दूर तक कोई भी आदमी दिखाई ना दे या वो हमको देख ना सके, तभी हमारी कार बाउंसिंग कार बनेगी। तो कार में अभी भी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि हुकर को एक सुनसान जगह चाहिए। तो मैं अभी इस पार्किंग एरिया में जा रहा हूँ और यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, यहाँ सिर्फ कार है। तो अभी भी कुछ नहीं हो रहा, तो शायद हो सकता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है और अभी भी पैसे कट रही है। तो ये अभी भी अपनी फीस चार्ज कर रही है, तो पता नहीं इसको कौन सी लोकेशन चाहिए। वैसे इसकी किस्मत में पार्किंग एरिया ही है, हम किसी होटल में तो जा नहीं सकते। तो मैं अभी एक खंभे के पीछे आ चुका हूँ और अभी भी कुछ नहीं हो रहा, तो इस पार्किंग एरिया से बाहर निकलना होगा। तो मैं फाइनली पार्किंग एरिया से बाहर आ चुका हूँ क्योंकि वहाँ पर टाइम और पैसे दोनों चीज़ों की बर्बादी हो रही थी। तो ये पैसों को तो चार्ज कर रही है पर बदले में कुछ नहीं कर रही। तो मैं घर के पीछे आ चुका हूँ और शायद अब ये कुछ करे। तो यहाँ काफ़ी पेड़ पत्ते हैं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो फाइनली मुझे एक ऐसी लोकेशन मिल चुकी थी जहाँ पर ये कुछ कर रही थी, पर मुझे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे ऐसी लोकेशन चाहिए जहाँ पर मुझे कार दिखाई दे। तो बेचारी खुश होकर बोल रही थी ओ या, और मेरा कैरेक्टर बोल रहा था चलो बिजनेस करते हैं, पर हम कर नहीं पाए क्योंकि कोई कैमरा एंगल नहीं मिल रहा ढंग का। तो बिजनेस करने के लिए चाहती है कि मैं कार झाड़ियों में छिपा दूँ, पर मैं चाहता हूँ कि कार बाहर रहे। और यहाँ पर इतनी भीड़ कहाँ से आ गई? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आदमी है, तो इसकी गलती नहीं है। तो पता नहीं ये आदमी यहाँ कहाँ से आ गए और इतनी तादाद में कैसे आ गए। तो तभी ये बिजनेस नहीं कर पाई, तो कोई और लोकेशन ढूंढनी होगी और अच्छी लोकेशन ढूंढनी होगी जहाँ पर आदमी ना हो और हम अपना काम जल्दी कर लें और प्रोफेशनली कर लें। तो जब मैंने इसको अपनी कार में बिठाया था तो मेरे पास $300 थे और अभी 180 से नीचे है। तो आगे थोड़ी झाड़ी आए तो शायद हम फाइनली बिजनेस कर पाएंगे। और मैं इस बिल्डिंग के पीछे आ चुका हूँ। तो ये बोल रही थी कि मेरे पास कोई प्लान्स नहीं थे आज के लिए, और ये सही थी। तो मैं नहीं चाहता कि आज की रात ऐसी खाली चली जाए, तो शायद फाइनली अब हम बिजनेस कर सकते हैं। तो मुझे एक स्टार वांटेड लेवल मिल चुका है, तो क्या पुलिस भी हमको बिजनेस करता देखेगी या नहीं? तो इसको अब तो बिजनेस करना चाहिए। तो फाइनली मैं बिजनेस कर रहा हूँ, पर मैंने $320 पे स्टार्ट किया था और 110 पे बिजनेस फाइनली स्टार्ट हुआ। तो मेरी हेल्थ फुल हो चुकी है 125। तो $80 के आसपास ही रुक भी गई थी, पर फिर भी इसने $80 फालतू में हड़प लिए। तो अभी इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो अभी मैं झाड़ियों में गाड़ी चलाऊंगा। तो $320 पे आज मैंने स्टार्ट किया था और अभी मेरे पास एक भी नहीं है, पर मैंने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है और उसको उसका सबक मिल चुका है। और अभी मेरे पास 250 हो चुके हैं। तो पर एक बात समझनी है कि बाकी के $70 कहाँ गए। तो आज के लिए वाइस सिटी में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।